नमस्कार दोस्तों, आज आपका गीता कुकिंग वर्ल्ड में स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब तो लाइक नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब लाइक करना है। जिन लोगों ने पहले से मुझे सब्सक्राइब लाइक किया उनका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद है दोस्तों। हाँ दोस्तों, बेल आइकन पे भी क्लिक करना, यानी जो भी मेरी नई वीडियो होगी आपके मोबाइल में पहले आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने बनाया एकदम घर में एकदम कम सामग्री से उत्तपा, रिजल्ट आपके सामने। बनाना भी जितना ही आसान है जैसे खाने में एकदम इजी लगता है और टेस्टी लगता है। तो चलो हम ज्यादा बातें करेंगे नहीं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल सूजी ली हुई है दोस्तों, बारीक वाली सूजी लेना है हमें, और इसकी आधी वाटी हमें बेसन का आटा लेना है। एक वाटी और आधी वाटी हमें बेसन का, इसका यही प्रमाण है दोस्तों, यही हमें बारीक वाली सूजी और बेसन का आटा चाहिए। अभी यहाँ पर हम लोग एक बॉल ले लेते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, घर पे बनाना है प्लीज कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा इस उत्तपे को शेयर करना है। तो हम पहले सूजी ऐड कर देंगे एक बाउल, और यहाँ पर हमने आधा बाउल यानी आधी वाटी से थोड़ा कम बेसन का आटा डाल देना है। स्वाद अनुसार नमक, हल्दी आधी चम्मच, काश्मीरी मिर्ची पाउडर एक चम्मच। कलर आती है और खाने में बहुत लाजवाब लगती है दोस्तों। यहाँ पे मैंने तीन हरी मिर्च कटी हुई थोड़ा ही डालना है, बाद में इसमें गार्निश में भी हमें लगेगा इसलिए मैं थोड़ा बचा के रखूंगी। यहाँ पे हम लोग शिमला मिर्च ऐड करेंगे, आधा आधा बचा के रखूंगी गार्निश के लिए। प्याज आधा आधा बचा के रखूंगी मैं। प्याज आपके हिसाब से कम या ज्यादा आप डाल सकते हो दोस्तों। टमाटर एक डालूंगी, इसमें थोड़ा मैं बचा के रखूंगी। इसमें से जितना भी मैं सामग्री डालू इसमें मैं थोड़ा थोड़ा बचा के रखने वाली हूँ, क्योंकि ये बनाना भी बहुत आसान है और खाने में जितनी मजा आती है बहुत लाजवाब लगती है दोस्तों। यहाँ पे हमने गरम मसाला लिया हुआ है एक चम्मच, वो ऐड कर देंगे पूरा ही। काली मिर्च, इसको मैं बाद में आपको बताऊंगी इसका क्या यूज करना है। और यहाँ पे हम लोग दही ले लेंगे, घर का खट्टा वाला दही लेना, वो ऐड कर लेना है। और अभी इसको चमचे के सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हाँ दोस्तों, मेरा और एक चैनल है गीता फूडीज करके, तो प्लीज जैसे गीता कुकी वर्ल्ड को आपने सपोर्ट किया है वैसे गीता फूडीज को भी सपोर्ट करना है। सिर्फ नॉनवेज का ही चैनल है दोस्तों, मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि मेरा और एक चैनल में खाली सिर्फ नॉनवेज का ही उसका मैं बताती हूँ। और जो नॉनवेज खाना ज़्यादा पसंद करते हो तो प्लीज़ गीता फूडीज देखना है चैनल, और घर पे बनाना है और सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो अभी इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया हुआ है। अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। और लगेगा थोड़ा पानी क्योंकि सूजी में थोड़ा ज्यादा ही पानी लगता है, और थोड़ा थोड़ा करके ही पानी हम इसको ऐड करना है। ज्यादा ऐड करते जाना नहीं है क्योंकि हम इसका उत्तपा बना रहे हैं दोस्तों, खाने में बहुत लाजवाब लगता है और इजीली बन जाता है, ज्यादा मेहनत भी लगती नहीं है। जब आप घर पे बनाओगे तो आपको खुद को भर गया सही में बहुत, यानी बहुत परफेक्ट बन गया है। और खाने में तो बस मैं क्या बताऊँ, घर पे बनाओगे तो आपको आइडिया आ जाए। अभी हम इसको इसी तरह से चला लिया हुआ है, एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया हुआ है। अभी हम इसको आधे घंटे के लिए सेट करेंगे, सिर्फ आधा घंटा। अभी यहाँ पे हम लोग बैटर चेक कर लेंगे, यहाँ पे हमारा आधा घंटा हो गया है, परफेक्ट जैसे मुझे चाहिए वैसे ही है, देख रहे हो। अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे, लास्ट में धनिया ऐड करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और हल्का सा हम पानी ऐड करके, थोड़ा पतला, जो थोड़ा गाढ़ा लग रहा है थोड़ा पतला इसी तरह से। तो इसको अच्छी तरह से चला लेंगे, ज्यादा भी हमें इसको पतला करना नहीं है दोस्तों, थोड़ा ही नॉर्मल करना है जैसे कि आप देख ही रहे हो दोस्तों। इसको मैंने ऐसे कंटिन्यू चला लिया हुआ है, जितना ये हमारा सूजी सेट होता है उतना ही हमारा उत्तपा एकदम परफेक्ट बनता है। इसी तरह से इसका बैटर हमें चाहिए उत्तपे का, देख रहे हो। अभी नेक्स्ट प्रोसेस बताते हैं क्या करना है। अभी यहाँ पर मैंने एक पैन रखा है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एक चम्मच जैसा ऑयल डाल देंगे, एक चम्मच। इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेना है, यानी
पैन पे पूरा ऑयली हो जाना चाहिए इसी तरह से। पैन हमारा गरम हो गया है, अभी यहाँ पर हम लोग बैटर डालेंगे यानी घोल हमारा। इसको हाथों से गीला करना, हाथ पहले गीले कर लेने पानी में से डिप, और इसको हल करके जितना आपको पतला मोटा ज्यादा चाहिए आपके हिसाब से कम या ज्यादा आप कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे हम लोग उत्तप्पे का सेप दे रहे हैं, इसी तरह से। अभी यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा टमाटर ऐड करेंगे, अपना शिमला मिर्च मैंने इसके अंदर डाली पहले ही, प्याज, थोड़ी ब्लैक पेपर, काली मिर्च ऊपर से स्प्रिंकल कर लेना है, कश्मीरी मिर्ची पाउडर हल्की सी, हल्का सा नमक और थोड़ी धनिया और हल्की सी थोड़ी तीखी मिर्च एक दो। अभी यहाँ पर हम लोग ऊपर से ऑयल डालेंगे, इसको पलटी करेंगे। अभी थोड़ा तवे को हम इसे घुमा लेंगे, हल्का सा घुमा लेना है। आप इसको बटर घी में भी कर सकते हैं दोस्तों, देख रहे हो मैं किसे घुमा रही हूँ हल्के हल्के तवे पे, यानी पूरी जगह हमारा ये हो जाता है। अभी यहाँ पे हम लोग पलटी करना है, यहाँ पे मैंने चम्मच ले लिया हुआ है, देख रहे हो, वाव। इसको गैस की फ्लेम हमें फास्ट कर लेनी है, यानी ये जल्द से जल्द पक भी जाएगा, थोड़ी क्रिस्पीपन भी आ जाएगी, और जैसे हमें रिजल्ट चाहिए वैसे ही आएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, घर पे बनाना है वो प्लीज़ मुझे कमेंट करने कैसे बनाए सूजी का उत्तप्पा। खाने में तो बहुत लाजवाब है और बन भी जाता है झटपट, और मुँह का स्वाद दुगना भी हो जाता है हमारा। ये चाय नाश्ते के साथ ऐसे भी आप खा सकते हो, क्योंकि हमसे हमेशा तो सूजी उपमा और पोहा वड़ा ऐसे बनाते, ये भी बना के देखो ये दोस्तों, बहुत यानी बहुत अच्छा लगता है खाने में। थोड़ा पैन को हल्का सा घुमा लेंगे, अभी हम इसको पलटी करेंगे। वाव, देखा पूरा एकदम टमाटर भी हमारे अच्छी तरह से थोड़े ये हो गए, जल गए, यानी हमें खाने में बहुत मजा आएगी। तो बाकी के सारी उत्तप्पे हम ऐसे ही कर लेते हैं दोस्तों, इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं, रिजल्ट आपके सामने है, परफेक्ट बन गया हमारा गर्मा गर्म उत्तप्पा। ज्यादा टाइम लगाने कुछ नहीं, रिजल्ट आपके सामने, देखा कितना परफेक्ट और कैसे बन रहा है। मुंह में तो आपके पानी आ ही रहा है ना दोस्तों, तो बनाना कितना और कितना आसान है ना, एकदम एकदम। आप एक बार बनाओगे ना तो आपका मुंह का स्वाद दुगना होने ही वाला है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको घर पे बनाना है और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है कैसे बनाए सूजी का उत्तप्पा। तो ऐसे ही प्यार देते रहना, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना है। धन्यवाद दोस्तों।